चलते रहिए, कुछ नया सीखिए, अभी बढ़नी चाहिए। आएंगे सर, टाइम हो रहा है 11 के बाद, 11 बजे ठंड भी सुबह हो जाती है ना, सुबह शाम ठंड भी होती है। अच्छा वो बाजा वजा वाले ससुरे इसको, हाँ सर अभी इसको शुरुआत करा रहे हैं, अभी ठंड खा रहा है वो, अभी सामने वाले की तरफ खोल खा रहा है। सर आज ज्यादा कल सर बहुत कल सर बहुत ज्यादा ये साहब मैं जैविक किसान हूँ जो आपका बड़ी कंपोस्ट से सब तैयार करता हूँ, ये आपको गिफ्ट में देना चाहता हूँ प्यारी प्यारी गमलों के लिए, और ये भी गिफ्ट में देना चाहता हूँ। ये दिक्कत है, ठीक है तो आप मिलिएगा मुझसे ये फंक्शन के बाद जी, तो मैं आपको तो सर ये गिफ्ट है आपके पैसे चले जी 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 तो जी मेरा सब जी नाम दूसरा पैकेज चेंज करना शिक्षा प्राप्त किया है, और सर बर्मी का पूछ में किचुए व्यापार मन गए तब मैं सिक्किम वालों से संपर्क किया कैसे किचुए टेम्परेचर के बारे में 20 सेंटीग्रेड तापमान से ज़्यादा नहीं ऐसा करो तब छाया हवादार गर्मी में बरसात में बरसात नहा लेते हम सबके मध्य अगर हवाओं फैल रहा है और उसे गलत हवाओं से बचा तो बेटियों के लिए सुरक्षा प्रशासन हमारा प्रयत्न है, बेटी बचाए बेटी बताए ¡Gracias!
आप ऐसे बता रहे हैं है ना, अरे वहाँ बताओ और क्या बोल रहे हो, आप पीछे जाओ, आप पीछे जाओ, स्टाफ को आ जाइए। आज हम लोग भारत के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने प्राणों की आहुति देने वालों को 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे, ठीक है? आप लोग सब 2 मिनट के लिए मौन धारण करेंगे। बोलना थोड़ी है, बोला नहीं है, मौन धारण होना है, सिर्फ बोलेंगे नहीं। इस जगत में सौर की जीवित कहानी हो गए हैं। के द्वारा ज्ञान का कुंभ जो लगाया गया है ये अविस्मरणीय अतुलनीय है। मैं यहाँ अभी बात हुई तो कर रहे हैं वहाँ बाहर हाँ सब बुलाते हैं, अभी श्रेया वाले को अभी गाड़ी भेज रहे हैं, वो कुछ जादू वाले बुलाए, जादू वाले बुलाए दे रहे हैं, अभी शुरू कराइए।
ये किसने कह दिया 2 बजे? इसने जो प्लानिंग बनाई थी ये कहा कि दोपहर तक समापन हो जाएगा, तो दोपहर 2 से 4 बजे हो रहा समापन, तो 2 बजे नहीं नहीं 4 बजे वो 4 बजे तक चलेगा ना, शुरुआत में 4 बजे वही 5 बज जाएगा। मेले से समापन का क्या मतलब? समापन का अलग आदमी है, समापन के अलग लोग है, मेले समापन तो मत मारो, यहाँ खड़े हो जैसा हाथ दे दो शिक्षा गुण संस्कार रूप दो, शिक्षा गुण संस्कार रूप दो, फिर बेटों से सबल है बेटी, फिर बेटों से सबल है बेटी, सहारा दो गर विश्वास का, सहारा दो गर विश्वास का, तो पावन गंगा जल है बेटी। क्यों डरते हो पैदा करने से, क्यों डरते हो पैदा करने से? 1-2 दिन हटा देते क्योंकि मन में किसी ने डाउन कर लिया होगा कि अपने बगल वालों को आउट करा रहा है। 20 के बीच में नंबर बोलना है और उस नंबर को मैं काउंट कर रहा हूँ, तो जहाँ से पहुँचे वहाँ से ऐसे नहीं नहीं वो हाल खाली होगा सामान चार कदम सारे अस्पताल वालों को हमने पार्टिसिपेशन का सर्टिफिकेट देना है, वो हम लेकर Thank you.
हमारे ये भगवान तिवारी हाथ बल रहे हैं, पता नहीं कैसे बल रहे हैं। हमारे बहुत ये मेरे सीनियर कलाकार हैं और कुछ हाथ मलने का इरादा इनका अलग है, तैयार बैठे ही लगता है। आइए आइए आदानी करना नहीं, जो होना चाहोगे हाँ तो आप अभी एक घंटे के अंदर सबसे ले लो सारा पेमेंट, आज फाइनल करा दो जिससे कि वो प्रोसेसिंग। हमारे माननीय जिलाधिकारी जी का यह एक अनूठा नया तरीका है जो कि मेडिकल कॉलेज में संपन्न हो रहा है। यह एक पहली सोच है किसी जिलाधिकारी महोदय की जिन्होंने इतना अच्छा कार्यक्रम उत्तर प्रदेश के अंदर बांदा जिले में संपन्न कराया कर चुके हैं। अपना कैमरा तो दे दो। यह कार्यक्रम इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट 2019 निसंदेह उत्तर प्रदेश के इतिहास में एक अपना स्थान रखेगा और इसकी चर्चा पर चर्चा शासन स्तर पर हो रही है, बहुत ही सराहा जा रहा है। और यह डीएम साहब की नई सोच जो इतनी जबरदस्त है जिसकी प्रशंसा पूरे बांदावासी जनपद वासी कर रहे हैं। अब हमारे लोकगीत गायक भगवान जी तिवारी जी एक जबरदस्त कृष्ण पक्ष पर आधारित गीत लेकर आ रहे हैं, चली गुजरिया। सबसे पहले मैं पवन पुत्र हनुमान जी की दो लाइन में वंदना करूंगा और उसके बाद जो चंपा नर यूथ मुख्यम आइए आपके सामने आप और साइड में हो जाओ, आप और साइड में हो जाओ। तो मेरे जैसा पढ़ना पड़ेगा, सभी फोटो खिंचवा रहा हूँ ठीक है ना। रंगो महल के दस Yeah.
ना जाने कौन सी खिड़की खुली थी बांदा में हूँ। यहाँ तीन दिवसीय आयोजन किया गया इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट 2019 का उद्घाटन किया गया, बड़ा समारोह हुआ। 100 से ज़्यादा स्टॉल यहाँ पर लगे हुए हैं। मेरे साथ बांदा के जिलाधिकारी हीरा लाल जी हैं, जिनके इनिशिएटिव से ये प्रोग्राम संपन्न हुआ। मैं उन्हीं से जान लेता हूँ कि आखिर इस समिट का मकसद क्या है। इस समिट का मकसद यह है कि बांदा में विभिन्न प्रकार की समस्याएँ हैं। यहाँ पानी की भी बड़ी समस्या है, अन्ना प्रसाद बहुत बड़ी समस्या है, समस्या जो मुख्य संज्ञान में नहीं है, इस तरह से अनेक समस्याएँ हैं। और जब इन समस्याओं का समाधान ढूंढने का प्रयास किया गया तो उसी में यह नज़र आया कि समाधान तो इनोवेशन और स्टार्टअप में होता है, और उनको बुलाया जाए और सरल, सहज और कम लागत वाला समाधान पाया जाए। इसी वजह से ये तीन दिवसीय स्टार्टअप इनोवेशन समिट यहाँ आयोजित किया गया है। लोगों के मन में एक भ्रम यह था कि ये बड़े बड़े शहरों में प्रगति मैदान में इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में हो सकता है, बांदा में ये संभव नहीं है। लेकिन ये तीन दिन से जो ये आयोजन हो रहा है, पहले दिन लगभग 12,000 की भीड़ आई, कल जो है लगभग बता रहे हैं 20,000 की भीड़ थी, अब आज 20,000 से ज़्यादा की भीड़ है। इससे ये लगा कि हाँ, लोग आए, उन्हें ये कॉन्सेप्ट अच्छा लगा, और इसी वजह से भीड़ पहले दिन से ज़्यादा, दूसरे दिन से ज़्यादा थी। सो ये इसका पीछे मकसद था। इस समिट के लिए कहा जा रहा है कि बुंदेलखंड के किसानों को भी फायदा पहुंचेगा। कौन कौन सी ऐसी चीज़ें यहाँ पर बताई गई जिससे बुंदेलखंड के किसान सीधे जुड़ सकते हैं? ये बुंदेलखंड के लिए सबसे अच्छी बात तो ये है कि अभी हमारे इरिगेशन की पानी की कमी है। इरिगेशन में एक लड़का विश्वकर्मा है, गोंडा का, एक इरिगेशन का नया सिस्टम लाया, वो देख मैं भी बहुत चक रह गया, क्योंकि मैं खुद किसान का बेटा हूँ, मुझे पता है सिंचाई क्या होती है और कैसे होता है। उसका जो नया टेक्निक है और बहुत सस्ता है, बिल्कुल राट पे उसने एक स्लाइडिंग बना दिया है। तो इसी तरह से यहाँ अन्ना प्रथा के लिए जो दिक्कतें हैं, ये मतलब लेजर फेंसिंग का एक व्यवस्था बना के एक लड़का लाया है। इस तरह से अनगिनत यहाँ 100 इनोवेटर हैं, और उसमें अधिकांश किसानों के लिए हैं, तो ये उनको फ़ायदा पहुँचाएगा। लोग इसीलिए रुचि लेकर के समझ रहे हैं और देख रहे हैं। अन्य जनपदों से भी आपने तमाम IAS को, IFS को, तमाम सारे लोगों को बुलाया है, उनको बुलाने से किस तरीके का मैसेज आते हैं? मैसेज क्या, इसके पीछे मंशा ये थी कि जो हमारे जिलाधिकारीगण हैं या जो हमारे अधिकारीगण हैं वो भी यहाँ आएंगे, तो कुछ ना, हर आदमी देखिए सीखता है, चाहे वो IAS हो, चाहे IPS हो, कोई भी, हर आदमी को सीखने का एक मौका चाहिए। यहाँ वो आए तो उनके ज्ञान जो है उसे हमारे ऑडियंस को मिला, उनका ज्ञान। दूसरा, वो आए यहाँ देखे तो उन सबके मन में ये लालसा पैदा हो कि हमें भी ऐसा करना चाहिए। इसमें सरकारी सिस्टम ही सपोर्ट कर रहा है या फिर कुछ निजी लोगों का भी सहयोग? इसमें कितने लोगों का सहयोग है मैं काउंट नहीं कर सकता। इसमें जनता का सहयोग, जनप्रतिनिधि का सहयोग, हमारे जो यहाँ NGO हैं उनका सहयोग, अधिकारियों ने, हमारे अधिकारियों ने, पुलिस विभाग के लोगों ने तो जान लगा दी है। नहीं, इतना बड़ा भीड़ बिना किसी बाहरी पुलिस के कंट्रोल करना संभव नहीं है। हमारे SP ने बड़ी मेहनत करी, उनके टीम ने मेहनत करी, सभी लोगों ने बिल्कुल। शुरुआती दौर में तो जब लगा कि ये क्या होने जा रहा, किसी की समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन जब पहले दिन भीड़ देखी तो सबके मन की अंदर की इच्छा जागृत हुई, और सब खुशहाल हो करके इसको एंजॉय भी कर रहे हैं, और इस जनपद के जनपदवासियों को बहुत कुछ दे रहे हैं। बुंदेलखंड का नाम जब भी आता है तो समस्याओं से उसकी शुरुआत होती है, लेकिन ये खुशी की बात है कि यहाँ बांदा के जिलाधिकारी की पहल से समस्याओं को की बात न करते हुए लोग इनोवेशन की बात कर रहे हैं। बांदा से ये शुरुआत हुई है, हम उम्मीद करते हैं कि सरकार इस तरीके के प्रयासों को अन्य
प्रदेश के अन्य जिलों में भी ले जाएगी और इस तरीके के इनोवेशन की समिट हमें और भी देखने को मिलेंगी। आप देखते रहिए नेशनल जनमत। धन्यवाद। यूट्यूब चैनल हमारे साथ हैं जनपद बांदा के वरिष्ठ अधिकारी हीरालाल जी। उन्होंने एक आयोजन किया हुआ है स्टार्टअप इनोवेशन समिट का। आमतौर से आयोजन आपको टेक्निकल कॉलेजों में यानी इंजीनियरिंग कॉलेजों में देखने को मिलता है, लेकिन ये एक तरह के मेडिकल कॉलेज में आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे राजकीय टेक्निकल कॉलेज भी है, KCNIT कॉलेज भी है, लेकिन वहाँ ना होकर के ये मेडिकल कॉलेज में आयोजन किया जा रहा है। तो क्या ये आयोजन मेडिकल कॉलेज में क्यों किया गया, इसके बारे में आप क्या रहा? देखिए, मेडिकल कॉलेज में करने के पीछे कोई इस तरह का मंशा नहीं था। यहाँ चूँकि ये लेक्चर हाल समय साथ चाहिए थे और स्पेस चाहिए थे, तो हमारी जो आवश्यकता थी, क्योंकि ये तीन भागों में विभक्त है, एक तो हमारे करीब 90 स्टॉल हैं, 100 इनोवेटर के लिए हमें जगह चाहिए थी, और 7 लेक्चर हॉल चाहिए था। तो इन तीनों को एक जगह एकोमोडेट करने की जो सूटेबिलिटी थी वो यही अच्छी मिली, और ये मेडिकल कॉलेज नया बना हुआ है, बहुत खूबसूरत है, इसलिए इसको चयन किया गया। जैसा कि हमने आज पूरे आपके लेक्चर हॉल में विजिट किया, लेक्चर थिएटर से विजिट किए, तो हमने देखा कि आपने लखनऊ के GMU से यानी बहुत जगह से आपने स्पीकर्स बुलाए, तो क्या ये स्पीकर्स आपने बुलाए थे या वो अपनी मर्जी से? नहीं, ये आप लोगों को देखने में लग रहा कि हमारी तैयारी एक सप्ताह की है। ये हमारी तैयारी इंटरनली विगत 3 महीने से चल रही थी, और इसमें हम लोगों ने एक्सपर्ट लिया हुआ है। इस तरह के इवेंट को जो आयोजित कराते हैं, इसमें इलेक्टिव संस्था है उसको हमने लिया है। यहाँ का जो KCNIT चरण वाला या लिविंग कॉलेज है उसके लोग इन्वॉल्व हैं, और हमारा जो जिला विज्ञान काउंसिल है, जिला विज्ञान केंद्र है, और जो हमारा प्रदेश का विज्ञान काउंसिल है उसके सारे एक्सपर्ट यहाँ आए हुए हैं। हम इसकी पिछले 3 महीने से तैयारी कर रहे हैं, इस वजह से इतना सफल हुआ है। सर, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आपके इस पूरे आयोजन का, क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ। मैंने कल कई पब्लिक रिव्यूज़ लिए और वहाँ पता चला कि लोगों को ये पता नहीं चल पा रहा कि ये वो कह रहा है। वो कह रहा है कि बस हमें गांव से बुलाया गया है, प्रधान ने बुलाया है, बुलाया कि राशन कार्ड बनेंगे, अब यहाँ पता नहीं चल रहा राशन कार्ड कहाँ बनेंगे। मतलब ये ऐसे आयोजन में फिर ये छोटी छोटी गलतियाँ कहाँ रह गई? देखिए, ऐसा है कि हमने जिसे बुलाया है, क्योंकि हम लोगों की पूरी प्लानिंग थी कि हमें किसे बुलाना है। हमारे जो भी लोग, हमने जिनको लोग बुलाए हैं उनको ये पता है कि हमने क्यों बुलाया था। जब ये देखा, लोग गांव में गए बताए, तो और भी लोग चले आए, लेकिन यहाँ देखने के बाद उनके मन का ये शंका दूर हो जा रहा है कि वो क्यों आए हैं, क्यों इन्हें एक स्टॉल देखने को मिल रहा है, सरकार के सारे विभागों की जानकारी मिल रही है, तो उनका ये मकसद हल हो गया कि वो क्यों आए हैं। और जब इनोवेटर हाल में वो जा करके ये देखते हैं कि इरीगेशन की समस्या को कैसे दूर किया जाए, 1 लीटर में 175 किलोमीटर एक मोटरसाइकिल बिना प्रदूषण के कैसे चल सकती है, जब उस हाल में वो लोग जाते हैं तो उनका दिमाग बिल्कुल चौड़ा हो जाता है, वो मुस्कराते हुए निकलते हैं। मैंने भी बहुत लोगों से इंटरव्यू लिया है। धन्यवाद। इतना जो विशाल आयोजन किया गया 3 दिन में, इसका मकसद क्या था, क्या योजना थी सरकार? देखो, मेरा मकसद इसके पीछे बहुत सिंपल है। ये हमारा जनपद बांदा विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिरा हुआ है। पानी का अकाल, अन्ना प्रथा का बहुत ही कुप्रभाव है, यहाँ एक और बीमारी है कुपोषण। कुपोषण में तो यहाँ दोनों बीमारियाँ 46% के लोग कुपोषित है, पता नहीं। इन समस्याओं के समाधान के लिए हमने ये आयोजन किया है। हमने इनोवेटर और स्टार्टअप इसलिए बुलाए हैं कि स्टार्टअप और इनोवेशन है कि बिजली की बचत होगी और बिजली का बिल कम आएगा, तो लोग जो हाल में जा कर के देख रहे हैं उनको बड़ी खुशहाली मिल रही है, नॉलेज मिल रहा है। इसके साथ ही हमने यहाँ स्टॉल विभागों के लगाए हैं, जनता को हमारे सरकारी विभागों के कार्यक्रमों की जानकारी हो रही है। यहाँ कोई वो खाना पूरी वाला नहीं है, सजावट अच्छी है, जानकारी अच्छी है, और हमारे अधिकारीगण तन मन धन से उनको बता रहे हैं। स्टॉल तो बहुत सारे हैं, लेकिन अगर खास आकर्षण उन्होंने पूछे कौन कौन से आपकी नज़र में है कि विशेष चीज़ें हैं? देखिए, मेरे लिए तो सारे अच्छे हैं, लेकिन मैं आपको बताऊँ, इन्हें हम इनकी ग्रेडिंग करा रहे हैं, हमने अधिकारियों की टीम बना दी है, ग्रेडिंग हो रही है। अभी शाम को हम पुरस्कृत करेंगे तो शाम को पता लग जाएगा कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, इसके लिए हमने कमेटी बना रखी है। इसी तरह से हमने इनोवेटर में भी कमेटी बना रखी है और इनको हम पुरस्कृत करेंगे। लोगों के मन में एक सवाल है कि इनोवेशन समिट तो संपन्न हो गई थी, लेकिन अब आगे क्या? आगे मेरी कार्य योजना ये है कि हमारे यहाँ 3 इंस्टीट्यूशंस हैं, मेडिकल कॉलेज है, इंजीनियरिंग कॉलेज है, और बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है। अभी तो ये हमारा जनरल है, इसमें एग्रीकल्चर भी है, इसमें मेडिकल भी है, इसमें टेक्नोलॉजी भी है, इसमें हर तरह के इनोवेटर हैं। हम अपने तीनों हेड से बात कर चुके हैं ऑलरेडी,
कि हम लोग अब इसको कॉलेज वाइज, एक बार इंजीनियरिंग कॉलेज वाइज टेक्नोलॉजी के फोकस पे लगाएंगे और इंडिया लेवल का इस तरह का आयोजन करेंगे। इसी तरह से मेडिकल के फील्ड में यहाँ लगाएंगे और एग्रीकल्चर एंड एलाइड और से रिलेटेड का मादा यूनिवर्सिटी में लगाएंगे। हमारी वीसी साहब से, यहाँ के प्राचार्य से, डायरेक्टर जी, हम लोगों की ऑलरेडी प्लानिंग है, ऑलरेडी हम लोगों ने विचार बना लिया है। जब ये ख़त्म होगा तो फिर उस पर कार्रवाई करेंगे। कुछ लड़कों के नाम आप ही ने बताया कि वो इनोवेटिव आइडियाज़ लेकर आए हैं, उनके आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करने के लिए उनको सहयोग की ज़रूरत होगी, तो आर्थिक सहयोग कैसे उनको उपलब्ध कराएं? देखिए, इसमें लोगों के मन में यह है कि हर काम हम लोग सोचते हैं, ये मैं इससे सहमत नहीं हूँ। हर काम की शुरुआत लोग आर्थिक से करते हैं। मेरा ये मानना है आर्थिक से शुरुआत नहीं होना चाहिए, आर्थिक एक उसका भाग है। हर चीज़ की शुरुआत सोच से होनी चाहिए, जो कि हमारे इनोवेटर ने कर दिया। इसकी अलग ही एक केमिस्ट्री है इस फील्ड की, स्टार्टअप इनोवेशन की। अभी ख़त्म होने के बाद हम सारे स्टार्टअप इनोवेशन से जिला विज्ञान क्लब के अधिकारियों के माध्यम से बात करेंगे और उनके लिए चिट्ठी लिखेंगे, उनके लिए फ़ोन पे वार्ता करेंगे और जहां से जो भी सहायता ज़रूरत होगी दिलाने का हर प्रयास करेंगे। ऑलरेडी हम लोगों के विचार में प्लान है। धन्यवाद। थैंक यू।
कर लियो अपने वाक दे दो अभी कहाँ हो दौड़ जा अभी जा रहा हूँ शाम को भी आपको डाइट पे भी रहना आपके क्वालिटी का सामान आप खरीद करके वहाँ पहुँचा तो इसके लिए बैंक का फाइनेंस अवेलेबल है मार्केट अवेलेबल है बहुत सारी योजनाएं हैं सरकार की हैं जैसे बायोलॉजी बोर्ड के तरीके से खाली बहुत सारी स्कीम्स हैं लघु उद्योग विभाग की स्कीम्स हैं सर सिर्फ इम्पॉर्टेंट ये है कि आप इन स्कीम्स का फायदा किस तरह से उठाते हैं और उद्यमी बनने के लिए इम्पॉर्टेंट एक जो पहले आवाज आएगी कि रिस्क तरफी होता है आपको अपने आराम की मानसिकता से आराम की जिंदगी से थोड़ा सा उसमें दमकल डालने की जरूरत है जब तक आप शांत पानी में बैठे रहेंगे तब तक कुछ नहीं होगा आपको शांत पानी में दुर्ला दमकल डालने पड़ेंगे जिससे वो हलचल हो तो उस हलचल से कुछ नया मिलेगा जैसे अमृत में सागर के मंथन से अमृत निकला था उस तरीके से आपकी उस हलचल से हम लोगों के मध्य चित्रकूट के दादा से अनुरोध करूंगा मैं सीएमओ सर से अनुरोध करूंगा कि जिलाधिकारी महोदय चित्र हम ज्ञानम प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के बारे में आप लोगों को बता रहे थे इसमें जो भी 18 साल से 50 साल के बीच में जो भी होती है तो उनको 2 लाख तक का इंश्योरेंस उनकी फैमिली को मिलेगा इसी तरह प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना है 12 रुपए का साल लगता है इसमें केवल आपको दुर्घटना बीमा मिलता है ये 18 साल से 60 साल के बीच में होता है वही सीट खाली सफरी बैठाओ इन बच्चों को बैठा दो चल के चलो बैठाओ समझाओ इन्हें बच्चे बैठे बैठा खाली तो अच्छा नहीं लगता है
जरूरत हो, फसल के अनुसार जो भी सिंचाई के यंत्र की जरूरत हो, तो आप कृषि विभाग में एग्री डीडी साहब से संपर्क कर वार्ड में जो सिंचाई निधि बड़े प्रोजेक्ट के लिए, बड़े बड़े डैम के लिए है, नहर के लिए है, जिसमें महोबा के अर्जुन शहर नहर फाइनेंस हुआ है प्रदेश सरकार को, वो बड़ी योजना है। तो ये दो ऐसे चैनल्स हैं जो कृषि विभाग के द्वारा आप कर सकते हैं। जहाँ तक बुंदेलखंड की बात है और यहाँ के जो भूमि का पैटर्न है, तो यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ हैं, चारों तरफ से नदियों का जाल है, तो इसका बेचैन हो गए कि भाई क्या बात हो गई। तो जब बहुत देर हो गई तो उन्होंने कहा कि बताइए गुरुजी। तो उन्होंने कहा कि उस परम पिता परमात्मा भगवान, मैं आखिरी बार इसको नहीं कह सकता जो कुछ आप लोगों कह रहे हो कहिए। तो ऐसे कुछ लोग होंगे जिनके कारण ये समाज आगे बढ़ेगा जाएगा। और हमारा निवेदन है कि अपन लोग काम शुरू करें जिससे ये काम सिस्टम में आए। हमारे पास लोग हैं, टीम है, और यहाँ से लेके वहां तक आवश्यकता पड़ने पर हम आप सब तरह से सक्षम हैं। धन्यवाद। क्रांतिकारी विचारों को जो कि हमारी सोशल ट्रेडिशनल कल्चर डिपार्टमेंट की एक सब थीम है रूम बाधिता, उसको उन्होंने उठा भाग किया। तो जन जागरण के लिए ये बहुत जरूरी है कि जो हमारे बीच में बुराइयां समय के साथ साथ आ गई है हमारे समाज में, उससे भी हम लड़ें, तभी हमारे इस मंच का सार्थक प्रयोग उपयोग हो पाएगा। इसी कड़ी में मैं इस समय अपने चेयरपर्सन सर श्री इस पूरे सेशन में अपनी भागीदारी दें। और मेरे ख्याल से बैंक, जब इलाहाबाद बैंक की उन्होंने जब बात की थी तो यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों को बहुत सारी चीज़ें शायद पूछी थी और शायद बहुत सारी चीज़ें कही थी जो मेरे ख्याल से मौका नहीं मिला। तो मैं तो शायद कुछ ज़्यादा नहीं बोलूँगा, लेकिन आप लोगों से मैं कुछ चीज़ें पूछूँगा और उसका आपको आंसर देना पड़ेगा। और बाकी लोग मेरे ख्याल से बैंक से लोन लिया है पिछले 5 साल में, काफी ठीक ठाक नंबर है। 30% के करीब लोग यहाँ पर जिन्होंने लोन लिया, सही है। इसमें कितने लोग, जैसे किसी एक महिला थी उन्होंने बोला था कि जब उन्होंने बैंक से लोन लिया तो बिजली ऐसे उपकरण लगाओ, बचत कर बेगी अपनी आदत में लाओ, बचत कर बेगी अपनी आदत में लाओ, राष्ट्र की बचत अपनी बचत का हो भाव, राष्ट्र की बचत अपनी बचत का हो भाव, वृथा में बिजली खाए अब ना जलाओ, बदलाओ जीवन में भैया लाओ, वृथा में बिजली खोय अब ना जलाओ, बने बिजली पानी सो संकटो महान, बने बिजली पानी सो संकटो महान,
सजग रहो हरदम करो देश का उत्थान, सजग रहो हरदम करो देश का उत्थान, धीरे धीरे निर्मल अब ऊर्जा बचाओ, धीरे धीरे निर्मल अब ऊर्जा बचाओ, बदलाओ जीवन में भैया ये लाओ, बदलाओ जीवन में भैया ये लाओ। हेलो, बहुत सुंदर अभी कविता पाठ हुई, लीजिए अब जादू प्रो खड़ा कोई वो पेड़ है चादर ओढ़े या खड़ा कोई बारिश है या आसमान ने छोड़ दिए हैं कल खुले कहीं हो हम जैसे देखे ये जहां वैसा ही जैसी नजर अपनी खुल के सोचे आओ पंख जरा फैलाओ रंग नए बिखराओ चलो 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 नए ख्वाब बुन ले
ये सर सर एक अगले जादू के लिए मैं चाहूंगा कोई दो आइए कौन आएंगे एक क्वेश्चन है हाँ आइए सबको हम 2100 दे देंगे जो पार्टी आज पूरा हाल पीछे तक फुल भी है तो खाली हो गया था जी जी आज तो मेरे ख्याल 20,000 से कम भीड़ होगा ज्यादा होगी सर और ज्यादा होगी सर 40,000 तो कल ही बता वो बॉक्स ऑफिस से हिट हो गई है शर्मा भाई ले ही रहा हूं प्रत्येक बंदे बाहर की आम आदमी बता रहा है सर जो चौकीदार है मेडिकल कॉलेज के वो बता रहे हैं कि हमारे मेडिकल कॉलेज का इनोवेशन हो गया नहीं यही बच्चे तो बड़े होंगे आगे चल के नहीं सर इससे ज्यादा आप मैं जैसे गया था पार्किंग 2 बजे से लेकिन वो 2:30 बजे से हाँ वो खाना हम लोग तुरंत खाना खाएंगे जिससे वहाँ चल के खाना खा के फिर जो है सबको जिसको लाना है यहाँ लाएंगे बकिया को 19 का आज समापन है प्राइम न्यूज जो है जानकारी लेना चाहेगा कि आखिर किस तरह की सुविधाएं जो है आम लोगों को मिली है देखिए अभी हमारा समापन समारोह शाम को होने जा रहा है आपने देखा कि पहले दिन भीड़ 10,000 थी जैसा लोगों ने अनुमानित बताया अगले दिन 15,000 हो गई और आज आप ही लोग बता रहे हैं 20,000 से ज़्यादा है देखिए जब लोग 10,000 लोग पहले दिन आए और उन्होंने जा कर के अपने घरों में बताया तो अगले दिन भीड़ बढ़ी दूसरे दिन लोगों ने जाकर बताया तीसरे दिन ये जो भीड़ लगातार 10 से 20, 20 से 25 हो रही है ये अपने आप में साबित करता है कि लोगों को यहाँ बहुत कुछ मिला है यहाँ जो भी लोग आए हैं सबको कुछ ना कुछ मिला है कोई खाली हाथ नहीं गया कोई खुशी लेके गया है कोई ज्ञान लेके गया है कोई खाने का टेस्ट लेके गया है कोई आँखों को
सुहाने वाला मौसम या दृश्य देख के लेके गया है, कोई खाली हाथ नहीं गया। बुंदेलखंड में इस तरह के इनोवेशन होते रहेंगे तो इससे क्या आगे चल करके लोगों को, आम लोगों को फायदा होगा? लोगों को इनोवेशन स्टार्टअप के बारे में मैं तो यही कहूँगा कि अभी पता नहीं है, क्योंकि अभी ये नई शुरुआत है, इसका सरकार इस पर काफ़ी जोर दे रही है, तो ये अपने जो है बचपन में है। अभी तक इसे माना जाता था कि इनोवेशन स्टार्टअप दिल्ली में प्रगति मैदान का खेल है या इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान लखनऊ में होता है, लेकिन अब हम लोगों ने ये साबित कर दिया है कि नहीं, ये बांदा जैसे पिछड़े इलाके में भी वहाँ से बेहतर किया जा सकता है। इनोवेशन स्टार्टअप बेसिकली सहज सरल और कम लागत वाला एक समाधान है, उपाय है, जिसको कि हम पाने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जनपद में बहुत सारी समस्याएं हैं, पानी की समस्या है, अन्ना प्रथा की समस्या, कुपोषण की समस्या है। आज हम लोगों ने जो अपने इनोवेटर को देखा, हर समस्या का बड़ा सहज सरल और कम लागत वाला समाधान लेके आए हैं। हमारी जनता उनसे रूबरू हो रही है और देख रही है कि जो हम समस्या को बहुत विकराल समझते थे उसका तो बहुत आसान तरीका है। ये थे हमारे जिला अधिकारी हीरालाल जी, जो उन्होंने इस चीज़ की तस्दीक किया कि बुंदेलखंड में इस तरह के इनोवेशन होने से आम लोगों को काफ़ी फायदा मिलेगा। अब ये देखना है कि जमीनी हकीकत पर ये फायदा कितना हो पा रहा है। कैमरा पर्सन अनिल के साथ खाली रखो भाई, इसी Thank you.
अभी चार घंटे से खड़े हैं। अच्छा सात लोग। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं सर। Thank you.
आपको बड़ी आंख करके देखना है और उसमें स्कैन का बटन दबाना तो ऑटोमेटिकली स्कैन करेगा, ब्लू लाइट जल जाएगी उसके अंदर खूब तेजी से मशीन के अंदर, तो समझ लीजिए। श्री राम चरण वर्मा पद्मश्री व माननीय जिलाधिकारी महोदय मंत्रोच्चारण के साथ दीप
प्रज्वलन एवं माँ सरस्वती के चित्र पर पुष्पांजलि के साथ कार्यक्रम का हम शुभारंभ करने जा रहे हैं। मैं आप सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा कि ऊपर जो सीट खाली है कृपया वहां पर अपना स्थान ग्रहण कर लें। है आप सभी से अनुरोध है बालकनी में आ जाइए सभी लोग ऊपर सभी और ऊपर हमारे एनसीसी के जो कैडेट साथी हैं उनको निर्देशित किया गया है पूर्व में आपके कमांडर द्वारा किसी को रेलिंग पे ना आने दें। सभी भाई लोगों से कहिए बीच में आ जाए, कहिए बीच में आ जाए और गेट पे नहीं खोले। मैं मंचा सिंह सभी अतिथियों से अनुरोध करूंगा माँ सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की अनुमति प्रदान की जाए। माननीय जिलाधिकारी महोदय, वैदिक परंपरा के अनुसार 3 दिवसीय इनोवेशन एंड स्टार्टअप समिट का समापन समारोह ऐतिहासिक समारोह माननीय जिलाधिकारी बांदा की प्रेरणा से आज बांदा जनपद में आयोजित हुआ है। हम सभी शुक्रगुजार हैं माननीय जिलाधिकारी महोदय के कि अभी तक जो देश की राजधानी दिल्ली में प्रगति मैदान की पहचान की, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रगति प्रतिष्ठान की पहचान की, बांदा जनपद में आज राजकीय मेडिकल कॉलेज की पहचान बन गई है और आज देश भर से इस 3 दिवसीय इनोवेशन स्टार्टअप समिट में इनोवेटर्स एक्सपर्ट्स स्पीकर डेलीगेट्स यहाँ पर पधारे हैं। अनुमानित संख्या मुझे बताई गई है तकरीबन 3 दिनों में 40,000 से ज्यादा लोगों ने इस कार्यक्रम में सहभागिता निभाई। मैं चाहूंगा एक बार पुनः जिलाधिकारी महोदय के साथ स्वागत करेंगे आपके कार्यक्रम के मुख्य अतिथि। मैं अपर जिलाधिकारी महोदय से निवेदन करूंगा मंचा सी विशिष्ट अतिथि श्री मुनीश सेवा सीजीएम का बैज अलंकृत कर यहाँ पर हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करें। स्वागत की कड़ी में मंचा सिंह श्री कृष्ण करनाकर पांडे उपायुक्त एनआरएलएम से अनुरोध करूंगा। मंचा सिंह श्री मेहर सिंह पूर्व जनरल मैनेजर जनरल मोटर्स जर्मनी का बैज अलंकृत कर यहाँ पर